चंडीगढ़ में शहर के इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक में स्थित ऑयल मिल में शुक्रवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। वहीं मिल में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को और दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 7 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक में स्थित जिस मिल में आग लगी वह सरस्वती ऑयल मिल है। मिल के संचालक हरीश मित्तल बताए जाते हैं, जो कि चंडीगढ़ में ही रहते हैं। मिल से सरसों के तेल और रिफाइंड ऑयल की सप्लाई की जाती है। बताया जाता है कि शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे किसी राहगीर ने मिल से उड़ता हुआ धुआं देखकर दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ऑयल मिल में लगे शटर और ताले को तोड़कर अंदर घुसकर आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग कर्मियों के मुताबिक पता चला कि मिल के अंदर 4 बड़े टैंकर और 2 छोटे टैंकर थे। इन टैंकरों में सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल भरा हुआ था, जो कि अचानक से आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लगी हुई आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ऑयल मिल में लगी आग के चलते लाखों रुपए के करीब नुकसान बताया जा रहा है।